नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। हम बात करेंगे गिरफ्तारियों की, उन गिरफ्तारियों की जो कोरोना काल में, जो लॉकडाउन काल में एक के बाद एक धड़ाधड़ हो रही हैं और इन पर बातचीत बहुत कम हो रही है। कभी कभी इक्का दुक्का बयान आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक लंबी कड़ी दिखाई दे रही है, एक लंबी डिज़ाइन दिखा रही है। आज हम कोशिश करेंगे इस डिज़ाइन के बारे में बात करने की। जी हाँ, जब हम कहते हैं कि बड़ी डिज़ाइन दिखाई देती है, एक बड़ी तैयारी दिखाई देती है इन गिरफ्तारियों के बीच, इसके पीछे तो हमारे पास थोड़े बहुत आधार हैं। यह आधार मुहैया कराई पिछले दिनों जो रिपोर्ट जमा की गई, पेश की गई देश के गृह मंत्री अमित शाह को, उससे मिलता है कुछ सूत्र। इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखिए, जो तथाकथित तौर पर एक NGO कॉल फॉर जस्टिस ने दी और उसने बताने की कोशिश की कि किस तरह से दिल्ली में जो दंगा हुआ, जो सुनियोजित हिंसा थी, उसके पीछे जो लोग शामिल थे वे कौन थे। इस रिपोर्ट के अनुसार वो दो सो कॉल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग, पिंजरा तोड़ या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, PFI, इन तमाम लोगों का नाम लगातार सत्ता की तरफ से आ रहा है और एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वे इसी क्रम में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली को भी आधार बनाकर, दिल्ली में जो डिसेंट की आवाज़ें उठी थीं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, शाहीन बाग से लेके देश के कोने कोने में जो फैला था, उन आवाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, उन आवाज़ों को टारगेट किया जा रहा है। और इस कड़ी में पिंजरा तोड़ से जुड़ी हुई दो महिला कार्यकर्ता जो स्टूडेंट हैं, उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, नताशा और देवांगना की, इससे पहले जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो मीडिया प्रभारी थी सफूरा जरगर, उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर भी इसी तरह का केस लगाया जाना, एक बात साफ कर रहा है कि एक बड़ी डिज़ाइन के तहत देश का गृह मंत्रालय, देश की जो जांच एजेंसियां हैं वह काम कर रही हैं। यहां पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि यह पहला मामला नहीं है जहां एक बड़े पैमाने पर कुछ रचती हुई जाँच एजेंसियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। इसका सीधा सीधा रिश्ता या ये जो पूरा पैटर्न है, यह हमें याद दिलाता है भीमा कोरेगांव वाला मामला। भीमा कोरेगांव वाला मामला एक बार दोबारा चर्चा में है और चर्चा की वजह है दो प्रमुख लोगों की गिरफ्तारियां जो इसी कोरोना काल में हुई। पहली गौतम नौलखा की, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, और दूसरे हैं आनंद तेलतुंबड़े। आनंद तेलतुंबड़े दलित चिंतक हैं, पढ़ाते रहे हैं और लंबे समय से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इसका क्रिटिक हमारे सामने पेश करते रहे हैं, अंबेडकर के परिवार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जिस तरह से केस बिल्डअप किया जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं कड़ी या कहीं ना कहीं जो पैटर्न है वो भीमा कोरेगांव वाले मामले से जुड़ता है, और इस पर हमने बात की कुछ लोगों से जो इनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हमने सबसे पहले बात की गौतम नौलखा की पार्टनर, उनके जीवन साथी सहबा से। सहबा दिल्ली में 50 साल से हैं। जब हम उनसे बात करने के लिए गए, वे खुद एक लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा, जो पहला शब्द कहा उन्होंने, कि जिस तरह से गौतम को ले गए, दिल नहीं दिल्ली खाली हो गया। और उन्होंने पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वह बताया कि किस तरह से UAPA के ज़रिए पूरे के पूरे परिवार को कुचलने की कोशिश हो रही है, उसकी आज़ादी को, उसके ज़िंदा रहने के हक को कुचलने की कोशिश हो रही है। यह समझना और सुनना बेहद ज़रूरी है। आइए सुनते हैं सहबा हमसे क्या कहना चाहती हैं। गौतम का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि सहबा मुझे इतनी दूर ले आए हैं बॉम्बे, तो अब तुम सबसे लॉयर भी वहाँ हर चीज़, और अचानक उन्होंने ये किया। और ये भी कहा गौतम ने कि कल मुझे बस 5 मिनट मिले, सेल आए और मुझे ले गए और फिर स्टेशन और पूरी रात का सफ़र ट्रेन में, और सुबह वो लोग पहुँचे और सीधे स्टेशन से उनको मैजिस्ट्रेट NIA कोर्ट ले गया। तो वहाँ जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की और मिल गई, वो उनको एक मौका मिला कि मुझे फ़ोन करें, और तब उन्होंने हमें ये सब बताया। और ये भी
कि इतनी अचानक और इस कदर रश में ये सब किया गया कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा, और ये भी पता था उन्हें कि अगले दिन कोर्ट में उनकी बेल हियरिंग होनी है। और फिर ब्लड प्रेशर का बताया कि पहली बार गौतम को कभी इतने बरसों में मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई लेते नहीं देखा है, और क्योंकि था भी नहीं ये प्रॉब्लम। NIA कस्टडी में एक बार हुआ जबकि बहुत हाई हो गया था, फिर अब जाकर तो 200 के ऊपर चढ़ गया था। सो ही एक्सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न एंड ही ऑल्सो सेड कि मेरी सारी मेडिकल फाइल्स जो हैं वो तो तिहाड़ सुपरिंटेंडेंट के पास हैं, जब ये ले जा रहे हैं मुझे हमारी सहूलत के लिए, सेफ्टी के लिए, वो कम से कम फाइल्स तो उठा लेते हैं वहाँ से। अब लॉयर्स को उन्होंने कहा है इट्स अ वेरी अर्जेंट मैटर विदाउट एनी मेडिकल रिकॉर्ड्स, हाउ इज ही गोइंग टू गो थ्रू दिस होल थिंग, ही हैज़ टू हैव देम। सो दिस इज़ द लेटेस्ट एंड आई मस्ट से कि मुझे इस कदर धक्का लगा उनके लॉयर्स को और मुझे कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती, मतलब दिल दहल गया और दिमाग हमारा बिल्कुल, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे किया जा सकता है, इट्स नॉट लीगल। एंड आई वॉज थिंकिंग कि माय गॉश ये तो अबडक्शन जैसे लग रहा मुझे कि किसी को बताए बिना, अगर वो फ़ोन नहीं करते हमें पता कैसे चलता है अनटिल द नेक्स्ट डे। अब लगता है जैसे हम देखते हैं इतने सारे और अरेस्ट हो रहे हैं और UAPA इतनी आराम से थोपा जा रहा है जैसे कि मामूली सा कोई एक्ट हो, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग दैट्स हैपनिंग। तो अब तो लगता है कि एक इन्होंने बना लिया है भीमा कोरेगांव वाली चीज़ कि आप केस बिल्ड कीजिए, अगर है भी नहीं तो आपको किसी तरह इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस चाहिए, आपको केस बिल्ड करना है, जैसे वो केस बिल्ड करेंगे हम अपनी फाइट आगे बढ़ाएंगे, और क्या कर सकते। कोविड इतना फैला था, लॉकडाउन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया दैट वॉज सो टर्स एंड इट रेज नॉट अ पॉइंट आइदर अबाउट कोविड, ये तेलतुंबड़े और गौतम की उम्र जो अंदर बैठे हैं जिनके 2 साल होने वाले हैं बाकी सारे, उनका कोई जिक्र नहीं। और ये हमें बार बार कहा जा रहा है कि जेल्स हमें डीकंजेस्ट करने हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गेव दैट ऑर्डर, और एक तरफ आप डीकंजेस्ट कीजिए वो भी बहुत धीरे धीरे, और दूसरी तरफ आप इन लोगों को अंदर भेजिए। नॉट जस्ट देम, इफ़ यू सी भाषा द नंबर ऑफ अरेस्ट दैट हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एक प्रेग्नेंट लड़की है सफूरा, आप बिल्कुल उसको UAPA में भेज दिया, वहाँ कश्मीर में 4 लोगों को, यहाँ पिंजरा तोड़ की 2 लड़कियों को, और हर एक को UAPA ऐसे लगाया जा रहा है दैट इट्स अ वेरी कॉमन लिटल एक्ट, वेर इज इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड इट कैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द वंस हुव गॉन इन, द पीपल, द नियर एंड डियर वंस, हमारी सबकी ज़िंदगी ऊपर नीचे कर देते हैं। वॉट इट मीन्स रियली फॉर फैमिलीज टू कंटिन्यू टू वर्क एंड बी होपफुल एंड पॉजिटिव, इट्स अ डेली चैलेंज। वो चाहे सुधा की बेटी हो, वरवर राव को अस्पताल तब्दील किया, वहाँ ले जा कर रखें, नो लॉयर वॉज इन्फॉर्म्ड, नो फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, इज दिस द वे टू डील? मैं तो ह्यूमन कंपैशन की तो बात ही नहीं करूँगी बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट, whether it's INA or wherever. There are some rays of hope, जैसे Delhi High Court में अभी raise हुआ है, which is sub judice, but I'm really positive about it, कि आपको कम से कम जवाब दीजिए आप हमें. We need to know, actually. It's our right to know why you did it. And does it mean कि आप कुछ भी कर लीजिए और हम बैठे रहें ऐसे? ये लंबी लड़ाई है, लॉयर्स के लिए बहुत लंबी है, गौतम और जितने उनके साथी अंदर हैं, बस ये गौतम ने जैसे कहा और मैं भी सोचती हूँ, बस एक अच्छी बात है जो ये कि गौतम अब दूसरे साथियों के साथ हैं, अभी अब तक वो अकेले तिहार में थे। तो दिल्ली शहर जैसे गौतम को उठा कर ले गए, सबसे पहले मुझे ख्याल आया दिल्ली खाली हो गया, दिल तो हुआ लेकिन दिल्ली खाली हो गया मेरे लिए, ये कैसे उठा कर ले गए। जब हम स्त्री पक्ष की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाहर जो उनके परिवार वाले हैं वे किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन पर क्या बीत रही है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है नाम और चेहरा वह आता है मायशा का, सुधा भारद्वाज की बेटी मायशा, जो अभी पढ़ रही हैं, 22 साल की हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ बनना चाहती हैं, पहले वे वकील बनना चाहती थी अपनी माँ की तरह वकील, लेकिन जब उन्होंने देखा हश्र अपनी माँ का, आप खुद सुनेंगे जब उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से उनकी माँ को निशाने पे लिया गया, मायशा और हो सकता है कि तमाम और जो यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में,
जो बड़े बड़े सपने लेकर आए हुए हैं, उनके लिए भी यह लोकतंत्र के ढहने का समय है। मायशा पूछती हैं कि उन्होंने आँख खोलने से लेकर अब तक अपनी माँ को दूसरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आवाज़ उठाते लड़ते हुए देखा। सुधा बहुत आराम तलब, बहुत ऐश वाली ज़िंदगी जी सकती थी। वह सब उन्होंने छोड़ा क्योंकि वे चाहती थी कि जो नाइंसाफ़ी पर टिका सिस्टम है उसे चैलेंज किया जा सके, और इसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल रही है सुनिए मायशा हमसे क्या कहना चाहती हैं। एज अ डॉटर मुझे उनसे हमेशा ये शिकायत रही है कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, आपने हमेशा अपना टाइम दूसरों को दिया है, विच इज वेरी ट्रू। और वो चीज मुझे हमेशा हर्ट भी करती है, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज होती है कि मतलब वो इंसान इतना ज्यादा कर रहा है दूसरों के लिए जो कि मैं आज की दुनिया में कहीं भी नहीं देखती हूँ। लोग ऐसी जो लाइफस्टाइल मेरी मम्मी जो लीड करती थी या जो मेरी नानी थी उन्होंने जो लाइफस्टाइल लीड की है, वो लाइफस्टाइल जीने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वो लाइफस्टाइल उन्होंने छोड़ी है। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ जो भी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ, सिर्फ मैंने न्यूज में सुना है। और जब मम्मी का ये जो केस हुआ तब हम जब कोर्ट जाते थे तब भी मैंने उनको देखा है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो पर्सनालिटी है और जो मेरी मम्मा जो काम करती थी वो मैंने देखा है उनको बचपन से, वो मजदूरों के लिए काम करती आई हैं, किसानों के लिए काम करती आई हैं, और उनके जो उन पे जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है हमेशा। इलीगल वे में जाके उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया, उन्होंने उन सारे लोगों का केस लड़ा है। तो आप ऐसे लोगों को अंदर रख रहे हो, वो भी जो प्रोफेसर रहे होंगे या जो भी एक्टिविस्ट रहे होंगे उन्होंने भी वही काम किया होगा, उन्होंने दूसरों के लिए आवाज उठाई होगी। यही एक रीजन है कि उन लोगों को अंदर रखा गया है। एक भी प्रूफ नहीं है, 2 साल होने को आए आपने क्या प्रूफ दिया है? आप हमेशा बातों को बदलते हैं, हमेशा कुछ कभी और कुछ हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है। हमने सिर्फ एक चीज का डिमांड किया था कि ठीक है आप हमें उस टाइप का बेल मत दीजिए, लेकिन कम से कम कोविड तक तो हमें अलग रहने दीजिए, पर उन्होंने वो भी नहीं सुना। पर जो एक मर्डरर है जो सारी दुनिया जानती उसको बेल मिल सकता है, पर जिनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं उनको आप बेल नहीं देना चाहते हो। उनके खिलाफ आपने इतनी बड़े बड़े केसेस डाल रखे हैं, मतलब ये तो हद हो जाती है एक चीज की। और आप सोचिए कि वो कोई नॉर्मल केस नहीं है जो आपने किसी इंसान के ऊपर डाल दिया है, ये पूरी जिंदगी उनको, मतलब ठीक है उनकी एज हो गई है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली को और सारी चीजों को सोच के एक डर पैदा हो जाते हैं इंसान के अंदर। मैं अकेले रहती हूँ घर पे, मुझे लगता है कि आगे क्या होगा, मुझे हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता होती है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी जब आएगी वापस तो तब हमारी लाइफ कैसे, मतलब नॉर्मल होगी या नहीं होगी। हमेशा मेरी मम्मी तथा और मेरी फैमिली में जो मेरे दोस्त और ये जो लोग हैं यूनियन के स्पेशली, वो लोग मुझे कहते थे कि तुम लॉयर बन जाओ, पर जब मैंने ये सारी चीजें देखी मैंने कहा मुझे नहीं बनना है लॉयर। कानूनी लड़ाई से महिलाएं क्या सीख रही हैं? वे महिलाएं जो अभी तक घर बनाने या गृहिणी का काम कर रही थी, इसके लिए हम पहुंचे जीएन साई बाबा की पत्नी से मिलने, वसंता से मिलने, वसंता कुमारी से मिलने, और उन्होंने बताया कि इस लड़ाई ने 2014 से जीएन साई बाबा जो दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ाते थे वे गिरफ्तार हैं, उनको सजा हो चुकी है, वे 90% से अधिक विकलांग हैं। किस तरह से वसंता चक्कर काट रही हैं और इस दौरान उन्होंने क्या जिंदगी का गुर सीखा है? उन्होंने सीखा कि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता, और वसंता पूरी अपनी हंसी के साथ, अपनी जिंदा दिली के साथ इस संघर्ष में लगी हुई हैं अपनी बेटी के साथ। एक्चुअली 2014 में साई को अरेस्ट किया था जी। उस समय हमें तो उम्मीद है, कोई एविडेंस नहीं, ये फॉल्स केस है,
इसीलिए कैसे भी बाहर निकलेंगे ऐसा उम्मीद से ही हमें जेल में भी जाके मिलते थे। बट पहले फर्स्ट मैं जेल मुलाकात के लिए गया था, वहाँ मेरे को एक बुरा एक्सपीरियंस आ गए उसमें कि ये क्या आप, क्योंकि साई का मैंने मेरा सरनेम ही रखा था, मैं फादर से आया वो ही है, मैंने सरनेम बदली नहीं। ये लोग साई का सरनेम आपके नहीं, आप इनका वाइफ पत्नी है कैसे, ऐसे ही मेरे को मुलाकात देने के लिए इनकार किया। मेरे फिर वही से स्टार्ट है ये लड़ना, मतलब आपको मना कर दिया कि आपके नाम के साथ साई का नाम सरनेम नहीं जुड़ा इसलिए आप उनकी पत्नी नहीं है। हाँ, पत्नी नहीं है, मुलाकात देंगे नहीं बोला, ये क्यों ऐसा। रिकॉर्ड्स देखिए आप जेल, फिर मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को एक अलग से लेटर लिखा, क्या बकवास कर रही, ये लेटर दे दो अंदर, ऐसा बोल के उसमें फिर वहाँ से आया था। हाँ, इसको तभी मुलाकात हो गई। मतलब फर्स्ट टाइम वही से मुलाकात, जेल मुलाकात चले गई। ये इतना फेस किया, मतलब माइन्यूट इश्यू जैसे लगता है बट उसमें ना हमको एज ए विमेन, ये पेट्रियार्की सोसाइटी में मर्द का ही सरनेम लेके जाना है ऐसा इनका भावना, इतना ऑफिशियली भी वहाँ ऐसा देख रहे तो मैं फर्स्ट टाइम परेशान हो गई। अच्छा ये बताएं, 2014 से लेकर अभी तक आपका संघर्ष चल रहा है, सबसे ज़्यादा आपने क्या सीखा इस दौरान, क्योंकि आपने इससे पहले तो शायद कभी ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे ना इस तरह की ज़िंदगी आपने देखी होगी, तो सबसे ज़्यादा क्या सीखा? हाँ यही है, लड़ना है, कोई भी कभी भी कैसे भी मुश्किल में हमें दुखी होके बैठने से कुछ नहीं होगा, लड़ते रहो तभी तो होगा होश, नहीं तो और दबाएंगे हमको हर जगह, यही तो मेरा एक्सपीरियंस में आया था। रिसेंटली हमें मार्च 5th को भी शरद पवार को एक अपील दिया था साई का हेल्थ का कंडीशन ऐसा बता के इसको कम से कम बेल डिनाइल नहीं करना है, ऐसा अपील दिया गया है। और साई का रिलीज़ के लिए यहाँ टीचर्स एंड अदर्स एक कमिटी फॉर द रिलीज़ ऑफ डॉक्टर जी एन साई बाबा ये फॉर्म किया था ना, वो लोग भी एक डेलीगेशन शरद पवार से मिल के दिया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ये नागपुर जेल में इतनी हालत में ये है, उसको बेल मिलना चाहिए, कम से कम जो एक्सप्रेशंस है लड़ाई का, कैसे लड़ना है और कैसे अप्रोच होना है, ये सारे मैंने सीख लिया, कहीं भी एक भी छोड़ी नहीं, कोई कहीं उम्मीद मिले, क्योंकि साई का केस में कितना अन्याय हो गई वो सबको मैं दुनिया भरे नहीं यहाँ भी सब के सामने लेके चले गए, फिर भी यहाँ हमको न्याय नहीं मिल रही है, अभी भी हमें न्याय के उम्मीद रख के ही ये लड़ाई लड़ रही है। ये जो गिरफ्तारियां हैं जिनके बारे में हमने बहुत संक्षेप में बातचीत की, कुछ आवाज़ें कुछ चेहरे आप तक पहुँचाने की कोशिश की, यह सब इस समय हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है इन्हें देखना, समझना, इन पर बात करना। अक्सर होता यह है कि जैसे ही किसी को किसी केस में और ख़ास तौर से इस तरह के सीरियस मामलों में गिरफ़्तार किया जाता है, किसी पर राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया जाता है, किसी पर UAPA लगाया जाता है, तो बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो सेक्शन है, उसे साफ सूख जाता है, सब लोग डर जाते हैं, एक खौफ का माहौल हमारे ऊपर तारी हो जाता है। इस खौफ को तोड़ना बेहद ज़रूरी है, सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र का जिंदा रहना, लोकतंत्र का सांस लेना असंभव हो जाएगा। सहबा हों, वसंता हों, मायशा हों, या ऐसी अनगिनत आवाज़ें हमारे चारों तरफ, ये हमसे और आपसे पूछ रही हैं
कि वे ज़िंदा रहना चाहती हैं, उन्हें ज़िंदा रहने का हक है और उन्हें बोलने का हक है और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपील करने का हक है। वे बिल्कुल ठीक उसी तरह से चिल्ला चिल्ला के कहना चाहती हैं जैसे अमेरिका की सड़कों पर इस समय नौजवान कह रहे हैं, हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले लोग बोल रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ, अगर आपने हमें वह स्पेस नहीं दिया। भारतीय लोकतंत्र पर भी खतरा बिल्कुल ऐसा ही गहरा है। बहुत ज़रूरी है सवाल उठाना। इसे हम जिंदा रखेंगे आपके सहयोग के साथ। देखिए, लाइक करिए खोज खबर, दूर तक पहुंचाइए सच को जिंदा रहने की हमारी यह कोशिश। शुक्रिया।